आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कैसा लग रहा है टॉपिक? तो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं इसके बारे में, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा, डू वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम इज जब हम अपने आप को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब अपनी वर्थ जानते हैं जब हम, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज के हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है कि हम ये चीज कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, यानी कि खुद की जो हमारी नजर है खुद को देखने की, दैट इज सेल्फ एस्टीम। और कॉन्फिडेंस मींस कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या आप ये कर सकते हो, तो आप क्या कह रहे हो कॉन्फिडेंस से? हाँ मैं कर सकता हूँ, आसान है, बस शर्ते कि आपको वो आता है काम करना। कि भाई स्विमिंग कर सकते हो इस नदी के अंदर, बहाव तेज है, तो आप क्या कहोगे? आसान है, मारो छलांग। तो ये क्या है? इज इट कॉन्फिडेंस? दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा ना हो कि अभी आपने सक्सेस अचीव कर ली, बड़े कॉन्फिडेंट हो गए, उसके बाद फिर कुछ हो गया, फिर जमीन पे आकर के गिर गए। ऐसे देखा है लोगों को, कुछ कर लिया थोड़ा सा कुछ अचीव, तो एकदम ही हवा में आ गए कि भाई हमसे बड़ा फंटुस तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, और जरा सा कुछ हो गया उसके बाद में दुखी हो गए। तो ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जो बढ़ता ही रहे, मतलब ग्राफ ऐसा हो जो नीचे से धीरे से शुरू हो और ऊपर ऊपर जाता है, नीचे जाने की गुंजाइश ही ना हो, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। मजा उसी में है ना। और दूसरी तरफ से सेल्फ एस्टीम ऐसी हो जो अगेन अनशेकेबल हो। पिछले कुछ दिनों से, 4-5 दिन से सिर्फ इसी एक क्वेश्चन के साथ मैं ठहरा हुआ था कि ऐसा कोई रास्ता है क्या, है क्या, है क्या? और सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई थ्योरेटिकल हो, मतलब प्रैक्टिकल हो और खेल खेल में हो जाए। तो क्या निकल करके आया? खेल। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो। लाइफ को हमको एक खेल की तरह देखना, लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको खेल की तरह देखना। मेक इट अ गेम, डोंट बी टू सीरियस अबाउट इट। लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्वड, लाइफ इज अ गेम टू बी प्लेड। अब खेल में ऐसा क्या होता है? रूल्स होते हैं, नहीं होते हैं हर खेल के? अगर उन रूल्स को हम फॉलो करें तो, अगर हम सिर्फ जीतने के बारे में सोचें और रूल्स की धज्जियां उड़ा दें तो ऐसे बंदे का सेल्फ एस्टीम कैसा होगा? कॉन्फिडेंस हो सकता है, समझ लेना। अगर दोनों का फर्क अगर आया ना तो बड़ा मजा आ जाएगा। अगर कोई खिलाड़ी है वो सारे रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करता है, उसकी सेल्फ एस्टीम ज्यादा होगी या कोई घपलेबाज है उसकी ज्यादा होगी? आराम से सोच के बोलो, मतलब खुद की नजर में कौन ऊपर होगा? जो आदमी ईमानदार है जो बेईमान है? ईमानदार। ऐसे बढ़ती है सेल्फ एस्टीम। एग्जाम्पल दूं अगर मैं, एक ऐसे बंदे का जिसको आप सब जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, सबने नाम सुना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ उस इंसान में कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो है ही, सेल्फ एस्टीम भी बहुत तगड़ी है। सेल्फ एस्टीम कैसे बनती है? जो भी खेल आप खेल रहे हो उसके रूल्स को फॉलो करके। यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गेम हारते हार जाए, इंडिया हारती हार जाए, चीटिंग नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे आदमी की कैसी इमेज बन जाती है कि अगर अंपायर को भी कंफ्यूजन है कि भाई ये आउट है या नहीं है, तो उस बंदे की तरफ देखेगा उसका रिएक्शन क्या है। समझ गए? सेल्फ एस्टीम बढ़ने से क्या होता है, उस बंदे की आप शक्ल देखोगे तो वहां पर एक ठहराव नजर आएगा, पीसफुल होगा वो बंदा। दैट इज सेल्फ एस्टीम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। अब आते हैं कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, किसी भी खेल में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? कोई खेल है आपको खेलना नहीं आता है और आपसे मैं पूछता हूं कि हाँ भाई खेल लोगे? आप बोलते हो हाँ खेल लूंगा, तो ये क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। आप बोलते हो मैं सीख लूंगा, मुझे नहीं आता है खेलना लेकिन मैं सीख सकता हूं और फिर मैं खेल सकता हूं, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो जिस भी फील्ड में आप कुछ भी करने वाले हो उसके 3 पिलर्स हैं, अगर उसको हम बारीकी से समझ जाएं तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। सबसे पहला क्या है? पैशन। व्हाट इज पैशन? पसंद है। क्या पसंद है? वो खेल हमको पसंद है या उस खेल का आउटकम पसंद है? खेल से हमको नफरत है। तो जिंदगी में जो भी आप खेल खेल रहे हो, तो किस तरह के खेल खेल रहे हो अपने आप से पूछो, मतलब मेरे को मत बताओ। Ask yourself, if you are playing because उस खेल का जो आउटकम है, जो भी आप काम कर रहे हो उससे जो होने वाला है उसमें मजा आ जाएगा, लेकिन खेल मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो मुझे पसंद नहीं है, दैट इज नॉट पैशन एट ऑल। वहां पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां पे आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चाहिए, आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, पागलों की तरह पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उस काम में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है।
और उस काम के बाद जो होगा 4-5 साल बाद वो मजेदार है कुछ, वो चाहिए मुझे। इसके होने के बाद में जो कुर्सी मिलेगी वो कुर्सी से मुझे प्यार, काम से नफरत है। उस कुर्सी पे भी बैठ करके जो मुझे काम करना है उससे भी मुझे नफरत है। उस कुर्सी पे बैठ करके जो 50 साल तक काम करना है उससे भी मुझे नफरत है, उससे भी प्यार व्यार नहीं है। वहां से जो मिलेगा महीने का उससे प्यार है। ऐसे हम जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है हम खेल को समझ ही नहीं पाए। पैशन मतलब क्या? कोई भी खेल, ऐसा खेल जिसमें आपको अंदर से आ रहा है यहां मुझे खेल सीखना है। मान लो किसी वजह से कोई ऐसा काम आपको करना पड़ रहा है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको भी आपको पूरे पैशन से करने से कौन रोक रहा है? इसको ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। आप ऐसा भी कोई काम कर रहे हो जो आपके इंटरेस्ट का है, लेकिन उस काम में भी आपको और बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ रही है जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने वो नहीं करी तो उस काम में भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कि आपको इंटरेस्ट है बैटिंग में, आपको मैं तो सिर्फ बैटिंग ही करूंगा, फील्डिंग मेरे बस की नहीं है, कैच तो मैं छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, बॉल आएगी तो मैं नहीं पकड़ने वाला, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है जी, आई एम टू पैशनेट अबाउट माय बैटिंग। तो इस बंदे को क्या बोलेंगे, भाग यहां से, है कि नहीं? और दूसरी तरफ से बंदा ऑलराउंडर हो तो बढ़िया है। आ गई ना मेरी बात पकड़ में? कि अगर उसका फील्डिंग में इंटरेस्ट नहीं भी है लेकिन क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसको दोनों सीखनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आप बोल तो देते हो पैशन, पर पैशन की कभी हम डेप्थ में नहीं जाते। व्हाट इज पैशन? कि मेरे एक काम में पैशन है, ठीक है, आपके घर वालों ने बोला हाँ जाओ कर लो, जब करना शुरू किया तो पता लगा अबे ये क्या काम है, ये तो बॉडी की भी वॉट लग गई, माइंड की भी वॉट लगी हुई है, मन ही नहीं कर रहा कर देगा। फिर क्या करोगे? करना शुरू भी कर दिया छोड़ दोगे, बैक टू पवेलियन, घर वालों के पास जाकर के बोलोगे नहीं जो आप कह रहे थे वही सही है, ये मेरे को पैशन पूशन के चक्करों में नहीं पड़ना है। तो पैशन की हम डेप्थ को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। व्हाट इज पैशन? पैशन मींस कि अगर एक बार आपने सोच लिया कि एक काम को करना है तो नाउ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आप चाहे कुछ भी हो हैव टू कीप गोइंग ऑन। उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको भी पैशनेटली फेस कर रहे हो, मतलब खेल की तरह देख रहे हो, सीखते चले जा रहे हैं। तो पैशन फॉर नॉट विनिंग, दैट इज नॉट पैशन, पैशन फॉर प्लेइंग। एग्जैक्टली, देखना है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, कहां तक जा सकती हूं, जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ, खुद को डिस्कवर करना है। अगर ये आपका पैशन है तो ऐसे बंदे का कॉन्फिडेंस कैसा होगा, ऐसे बंदे की सेल्फ एस्टीम कैसी होगी, किस खेल को मास्टर करते चले जाना है, मतलब लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको मास्टर कर लेना है। लाइफ में बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ना, हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप्स है, ये सबको मास्टर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो आप कह सकते हो बंदा पैशनेट है, पैशनेट फॉर वॉट? पैशनेट फॉर लाइफ। पहला है पैशन, दूसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है ध्यान से समझना। हम सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको समझते हैं? कि एक बंदे ने सोच लिया कि मेरे को जीतना है तो वो जीत गया, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस ना। बढ़िया से बढ़िया अगर बैट्समैन भी हो, उसको एक घटिया से घटिया बॉलर भी आउट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बैट्समैन ये नहीं कह सकता, ही कांट बी कॉन्फिडेंट दैट आई विल नेवर गेट आउट। तो कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहेंगे? कि मेरी जो प्रैक्टिस है वो कमाल की है, तो आई मे विन और लूज इन द शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म मेरे को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं एक अच्छा प्लेयर। इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे? या उसको जिसकी प्रैक्टिस में दम नहीं है, उस बंदे में दम नहीं है, लेकिन आकर के चीख रहा है, चिल्ला रहा है, दुनिया को बोल रहा है देखो मैं ये कर सकता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस। इज प्रैक्टिस इनफ और प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन? राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस, व्हाट इज राइट काइंड ऑफ प्रैक्टिस एंड व्हाट इज रॉन्ग प्रैक्टिस? जिस फील्ड में भी आप हो उसमें आप उनसे सीख रहे हो जो उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। ऐसा नहीं उससे सीख रहा हूं जिसको ABCD भी नहीं पता उस गेम की। अब वो चाहे अच्छा बोल रहा है चाहे बुरा बोल रहा है, भाड़ में जा। आई बात पकड़ रही है, ज्यादा हो रहा है, डीप हो रहा है, फॉलो कर पा रहे हो मेरे को? ये ज्यादा तेज जा रहा हूं मैं, थोड़ा धीरे जाऊं, पकड़ पा रहे हो ना? हाँ, इसको लाइफ से रिलेट करना, सिर्फ गेम तक मत रहना। मतलब कि लोग आकर के आपको एडवाइस देते हैं कि तू कर सकता है नहीं कर सकती, उनको ABCD भी नहीं पता उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप जा रहे हो, और आप चलना बंद कर देते हो, तो बेवकूफ नहीं हो? एक बेवकूफ और समझदार इंसान में क्या फर्क है? कि वो एडवाइस लेगा किससे, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। फॉलो करेगा किसको, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। कि भाई मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, सिखाओ मुझे। आपको पता है, आपने वो किया हुआ है जो मैं करना चाहता हूं, टीच मी हाउ टू डू इट, एक्सप्लेन इट टू मी, दिस इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। आई बात समझ में? हाँ। अब किसकी प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में है, किसकी नहीं है,
वो बंदा जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी उस खेल के एक्सपर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग, या तो उनको ऑब्जर्व करके, अब इसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको उनके पर्सनल कॉन्टैक्ट में होना है, यानी अगर आपको फुटबॉल खेलना है तो आप मेसी को देख करके भी सीख सकते हो। फिर जब आप एक लेवल पे आ गए, जब आपको बेसिक समझ आ गए उस पर्टिकुलर फील्ड के, अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ेगा, किसी ना किसी से सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो शुरू में तो साइंस की बेसिक नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी, फंडामेंटल्स तो सीखने पड़ेंगे। फिर उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जो आज से पहले किसी ने ना किया। बट रूल्स को ब्रेक करने के लिए भी पहले हमको रूल्स को समझना पड़ेगा। ये सक्सेसफुल होने की सबसे बड़ी क्वालिटी है। आप यूट्यूब पे जाओगे, जाकर के सर्च करो हाउ टू गेट रिच, कम से कम 50 लाख वीडियोज आएंगी, और उसमें बंदों को देखोगे वो आ करके बात कर रहे हैं कि अमीर कैसे होना है, और उनको देख करके आपको समझ आ जाएगा इस बंदी की जेब में 10 रुपए भी नहीं है, मतलब 100 रुपए छोड़ो 10 रुपए भी नहीं है, और वो आपको सिखा रहा है कि अमीर कैसे होना है, और आप देख देख करके सोच रहे हो मैं अमीर हो जाऊं, मुझे समझ आ गया है। क्या खाक समझ आया है? तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम बुक्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम पीपल, इट्स अबाउट लर्निंग फ्रॉम द राइट काइंड ऑफ बुक्स एंड फ्रॉम राइट काइंड ऑफ, ओनली दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। कहीं से भी कुछ भी अंदर फीड कर रहे हो और सोच रहे हो उसके बेस पे कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जो बंदा सक्सेसफुल है ना किसी भी फील्ड में, वो कुछ नहीं भी बोलेगा, कुछ नहीं भी करेगा, उसको सिर्फ देख करके उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब जिसको एक्टिंग नहीं आती है वो आपको 10 साल तक बैठ करके एक्टिंग सिखाता रहे, आएगी खराब एक्टिंग आ जाएगी, और आपको लगेगा भी कि हाँ मैं पता नहीं क्या बन गया हूं, मैं तो सर से भी अच्छी एक्टिंग कर रहा हूं। अबे सर को खुद को ही नहीं आती, तू क्या कर रहा है अंकल? जैसे आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओगे वहां पे जाकर के वो बोलेंगे क्या है ये, मैंने अपने सर से सीखा है। दूसरी तरफ से 10 साल छोड़ो, अगर 10 दिन तक भी आप बैठ करके बारीकी से ऑब्जर्व करते रहे जो वर्ल्ड के बेस्ट एक्टर्स हैं उनको, चाहे हॉलीवुड बॉलीवुड, ध्यान से देखा हो क्या कर रहे हैं, तो आप इतना सीख सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है। आपको उनसे पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है, जिसको सीखना है वो कहीं से भी सीख सकता है। जैसे बिजनेस में किसी को आगे बढ़ना है तो वो लोग जो बिजनेस में कुछ कर चुके हैं उनके एक एक वर्ड से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, उनके एक्शन से देख सकते हो जो बोलते हैं उसके पीछे क्या होता है, कैसे वो देखते हैं, कैसे उनकी नजर औरों से बिल्कुल अलग होती है, तो आपको वहां पे बहुत कुछ नजर आ सकता है। और दूसरी तरफ से जिनका बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है और वो आपको कुछ भी आकर के बोल रहे हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, क्या बकवास है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 2 पॉइंट हमारे कवर हो गए, पैशन, प्रैक्टिस इन द राइट डायरेक्शन बेस्ड अपॉन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द राइट सोर्स, एंड एब्सोल्युटली पैशनेट अबाउट लर्निंग। प्रैक्टिस करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो उस फील्ड में। अब जरूरी तो नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आपके हाथ पे नहीं है ना, एक्टिंग सीखना आपके हाथ में है, एक अच्छा एक्टर बनना आपके हाथ में है। आपको मूवी मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आपके हाथ में थोड़ी है, डायरेक्टर के हाथ में है। तो वहां पर क्या चाहिए? पेशेंस एंड परसिस्टेंस, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। जैसे मंजिल तक आप पहुंचो या ना पहुंचो, आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही जा रहा हूं। इनफैक्ट अगर आपको कोई बहुत बड़ी सक्सेस मिल भी गई, उसके बाद भी इन 3 पिलर्स को ध्यान में रखना है मरते दम तक। कितनी देर लगती है सक्सेस को फेलियर बनने में? कितनी देर? आप मानो आपने बहुत पैशनेट हो आप क्रिकेट को लेकर के, मैं क्रिकेट का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं आप सब आराम से रिलेट कर पाओगे, बहुत आपने प्रैक्टिस करी, आपको रिजल्ट मिल गया, आप इंडियन टीम में पहुंच गए, उस टीम से बाहर निकलने में कितनी देर लगेगी जी? मानो आपको एक मौका मिला, 2 मिला 3 मिला 4 मिला, उसके बाद में आपको बाहर कर दिया गया। लेकिन अगर आप इस गेम को समझ गए हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको बोलते हैं जिंदगी का खेल, खेल को समझ गए, तो आप क्या कहोगे? क्या मेरी प्रैक्टिस ठीक है? क्या जिस तरह से मैं खेल रहा हूं वो ठीक है? क्या मेरे में दम है? है तो मुझे इसकी परवाह करनी ही नहीं है कि मैं इंडियन टीम में हूं या नहीं हूं, मुझे सही खेलते रहना। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस, दिस इज नॉट अ नेगेटिव वर्ड, दिस इज एन एक्सट्रीमली पॉजिटिव वर्ड। परसिस्टेंस को, पेशेंस को हम नेगेटिव समझते हैं, ना जी, दिस मेक्स यू स्ट्रांग। तो अगर सब कुछ मिल करके आपसे छीन भी लिया गया, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर इस खेल को आप समझ गए, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम तगड़ी है। भाई मेरे खेल में तो दम है, कब तक नहीं मेरे को मौका देंगे, कब तक मेरे को रोकेंगे आगे जाने से?
जैसे आसमान में अगर सूरज है तो उसको कितनी देर तक बादल रोक सकते हैं, उसकी चमक को कितनी देर तक रोका जा सकता है? कुछ देर तक, लेकिन अगर चमक होगी तो पूरी दुनिया को दिखेगी, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है।